हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ लताफा का रम सिल्वर। मैंने बोला था कि जैसा कि मैं रम सिल्वर मंगवाऊँगा और देखूँगा कैसा इसका स्मेल है। तो मैंने कुछ दिन इसको यूज़ करते हुए हो गए, 4-5 दिन मैं लगातार इसको यूज़ कर रहा था, तो इसकी स्मेल अच्छी है ऑल ओवर। और ये मेरे को एक परफ्यूम है, सस्ते में आता है, 200-250 के लगभग रेंज में आ जाता है। उस रेंज का एक परफ्यूम है, एक्स का है, एक्स टेम्पटेशन करके चॉकलेट फ्लेवर है उसका। उसकी तरह लगभग 70-80% अराउंड उसकी जैसा स्मेल करेगा। अगर किसी ने नहीं स्मेल किया होगा इसको और उसको स्मेल करेगा, तो अगर दोनों को अगर साथ लेके स्मेल करे तो लगभग 70-80% तो स्मेल करता है। अभी तक किसी भी चैनल पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे अभी तक किसी ने नहीं बोला कि इसकी स्मेल और जो एक्स टेम्पटेशन की स्मेल है 70-80% अराउंड मिलती है। तो अगर आपके पास बजट नहीं है 1500 का और 12, जैसे मैंने इसको मंगाया है 1200 और 1300 के लगभग मंगाया है, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप एक्स टेम्पटेशन मंगा सकते हो। इसका अराउंड 70-80% तो सेम मिलता है, मैंने जहाँ तक यूज़ किया है। वो थोड़ा ज़्यादा स्वीटी है, ये थोड़ा कम स्वीटी है उससे। इसमें फ्रेशनेस थोड़ी सी है और पाउडरी टाइप स्मेल करता है। फिर जो मेन नोट्स में आपको मिलेगा, पियर मिलेगा, लेवेंडर मिलेगा और मिंट है। और इसके जो बेस नोट की जहाँ बात करें, इसके बेस नोट में आपको लगभग एक्स में और अल्ट्रा मेल का क्लोन आता है। तो एक्स में और अल्ट्रा मेल में तीनों में लगभग बेस नोट में लगभग सेम है, एम्बर है, पचोली है, वनीला है। और जो एक्स में है उसमें क्या मिलेगा, चॉकलेटी प्लस ऐड कर देता है क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा मिठास है, स्वीट की तरफ वो ज़्यादा जाता है। और इसके जो मिड नोट में है, कार्डिमम मिलेगा और सेज करके एक फ्लावर है उसका हिंट इसमें आता है। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह का बहुत अच्छा ही सुंदर सा बॉक्स में और सुंदर सी बोतल, एकदम प्रीमियम टाइप की वाइब देगी आपको। कैप भी मेटेलिक टाइप है पर प्लास्टिक ही है, मेटल का नहीं है। और इसका स्प्रे की बात करें तो आप देख सकते हैं, तो ऑल ओवर एक अच्छा डील है 1200 से 1300 की रेंज में। बट मुझे लगा था कुछ अलग सा होगा क्योंकि इसकी तारीफ़ें बहुत थी, क्योंकि एक अल्ट्रा मेल का क्लोन है। शायद मैंने अभी तक अल्ट्रा मेल ट्राई नहीं किया है, शायद इन फ्यूचर में ट्राई करके बताऊँगा। लगभग सब बोलते हैं कि 90-95% सेम है अल्ट्रा मेल के, तो कुछ खास नहीं लगा, कुछ नया नहीं है इसमें। आप मैंने एक्स यूज़ किया है, लगभग सेम है, मैं तो इतना कुछ सरप्राइज नहीं हूँ इसको लेकर। बाकी आपने यूज़ किया हो तो आप मुझे बता सकते हो। इसकी लॉन्जिविटी की बात करें तो इसकी लॉन्जिविटी अराउंड स्किन पे आराम से आपको 2-3 घंटे दे देगा और कपड़े पे 5-6 घंटे भी दे देता है। कई बार अगर आप घर में रहते हैं तो आपको शाम सुबह में लगाया, शाम के 4-5 बजे तक भी आपको आराम से स्मेल आ सकती है। और बाकी कॉम्प्लीमेंट इससे अच्छे मिलते हैं, आपके डेली वेयर के लिए तो नहीं है, अगर ऑफिस जा रहे हैं तो इसको नहीं लगा सकते क्योंकि एक स्वीट टाइप का परफ्यूम है। डेटिंग के लिए जा सकते हैं, डेट पे जा रहे हैं तो इसको लगा के जा सकते हैं, और क्लबिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको लेकर जा सकते हैं। बाकी ऑल ओवर ठीक है। अगर आपको सस्ते में काम निकालना है तो आप एक्स यूज़ कर सकते हैं, एक्स का भी लगभग सेम स्मेल ही है। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप इसका छोटा बोतल आता है, मैंने तो 100 ml मंगाया है ना, इसका छोटा बोतल आता है 50 ml का, आप वो मंगा के देख सकते हैं। अभी तक मैं हैरान हूँ कि अभी तक किसी यूट्यूबर ने बताया ही नहीं कि इसका स्मेल जो है, स्मेल है लाइक एक्स का स्मेल से काफ़ी मिलता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत है, काफ़ी मिलता है, 70-80% अराउंड मिलता है। तो मैं पहली बार जब स्मेल किया तो सच में मैं बहुत हैरान था कि क्या 250-300 वाला स्मेल मुझे 1500 मतलब 1300 में मिल रहा है, 1200-1300 में। इससे अच्छा मैं एक्स ही क्यों ना लगा लूँ। बट यही फ़र्क है दोनों में, ये थोड़ा माइनर चेंजेस है और थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग इसकी ज़्यादा है, पर वो इतना भी फ़र्क नहीं है। एक्स का टिकट आता है छोटा वाला, अगर आपको वो भी पॉकेट में लेके लगा सकते हैं जब मन करे तब, वो आपको 70 रुपये का मिल जाएगा। और उसकी परफ्यूम का बोतल है और जो उसका आता है वो भी एक्स सिग्नेचर करके चॉकलेट टेम्पटेशन करके आता है, वो 250-300 का आता है। अगर ख़त्म भी होगा पॉकेट से निकाल लगा ले, क्या ज़रूरत है इतना महंगा लेने का। तो मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, बाकी आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।